माय किचन, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी दे रही हूँ, यानी कि क्विक हम फास्ट बनाएंगे, यानी कि माउथ फ्रेशनर बनाएंगे। अक्सर हम डिनर या लंच वगैरह जब करते हैं तो उसके बाद ये हमारी ट्रेडिशन है कि हम ये मुख फास्ट लिया जाता है, या पार्टीज में जाएंगे, शादी ब्याह में जाए तो अक्सर ये हमारे को सर्व किया जाता है। कोई पान के साथ बनाता है, कोई किसी तरह से बनाता है, कई चीजें डाल के बनाई जाती है, कोई फिक्स इसकी इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। लेकिन मैं जो आज आपको बता रही हूँ, जो घर में आसानी से आपको मिल जाएंगे उसे आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने लिए ये डेसिकेटेड नारियल लिए, यानी बुरादा, ये नारियल का बुरादा। आप ऐसे नारियल सूखा उसको कद्दूकस कर सकते हैं। ये मैंने दो दो तीन तीन बड़े चम्मच इसकी मेजरमेंट लिया, और ये सौंफ लिए मोटे वाले जो होते हैं, और हमने ये सीड्स लिए। ये एक तो फोर मगज हैं, जो चार तरह के मगज होते हैं, और पम्पकिन सीड जो ग्रीन वाले, और इसमें तिल भी मिक्स है। ये देखिए, ये भी आप डाल सकते, बड़े हेल्दी न्यूट्रिशियस होते हैं। इसके अलावा हमने ये लिए, हमने केक में डालने वाली जो होती है डेकोरेशन, ये सिल्वर बॉल है, ये चीनी है मल्टी कलर की। अगर ना डालना चाहे तो आप दूसरी चीनी भी डाल सकते हैं। और ये हमारे पास धागे वाली मिश्री है, ये थोड़े से देसी गुलाब के पत्ते हैं, टूटी फ्रूटी है, तो बस हमें जस्ट मिक्स एंड मैच करना है। ये हमारे पास मिश्री है, अगर आपके पास मिश्री ना हो तो आप चीनी भी इसमें डाल सकते हैं। ये मिश्री को थोड़ा सा मैं दरदरा सा पीस लूंगी, थोड़ा सा दरदरा कर पीस लिया लेंगे। उसमें पहले हम ये मिश्री डालेंगे, इसके बाद हम ये मल्टी जो सीड्स है हमारे पास मिक्स वो वाले, और इसमें सिसमें सीड भी है, तिल भी है, और ये सारे तरह के वो है बीज, तो वो भी डाल देंगे। ये हम सौंफ डालेंगे, ये नारियल का बुरादा है, ये भी डाल देंगे, और ये हमारे पास सिल्वर और ये कलर्ड ये है डेकोरेशन के लिए, वो भी हम डाल देंगे। इससे कलर के लिए हम डालेंगे इसमें टूटी फ्रूटी। ये घर में आम चीजें मिल जाती हैं, केक वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें ये आराम से घर में मिल जाते हैं। और ये हमारे पास ये देसी गुलाब के पत्ते हैं जो मैंने सुखा के रखे हुए हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये हमारी झटपट से ये हमारा क्विक जो माउथ फ्रेशनर है बनकर तैयार हो गया, तो अब हम इसको डिशर्ट करते हैं। ये तैयार है मुखवास झटपट से। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी पीस के डाल सकते हैं, किशमिश खजूर वगैरह जो आपको पसंद हो वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसको इसके कांच की बोतल में भी इसमें भर के इसको स्टोर कर सकते हैं। आप इसमें ग्रीन वाली इलायची भी पीस के डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं। कुछ बुकवास यानी कि बहुत फ्रेशनर बनकर तैयार हुआ, घर में जो पड़ी चीजें थी उससे मैंने बनाया। आप डिनर लंच किसी भी के बाद इसको सर्व कीजिए, क्विक और सब पसंद करेंगे। बनाइए, खाइए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में लिख के बताइए आपको कैसी लगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।